स्टोरी डाली रात को, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप तुम कमोद में हो तो मेरे घर आओ, प्लीज़ खाना पीना खा के जाओ। और नताशा जा रही है नेजुंगरी, जो कि मुझे भी जाना है, परंतु ये निकलेगी 2-3 बजे के आसपास। मैं यहाँ से जा रहा हूँ टिंडा, टिंडा तक ठंडी के, टिंडा के बाद मैं लूँगा ट्रेन और ये ट्रेन छोड़ेगी अजरबैजान में। तो वापस से हिचहाइकिंग के मूड में, ये ठंड ठंड सा जहाँ, ये पूरा चारों तरफ बर्फ की चादर। तो नताशा और उसके फैमिली ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया रेलवे स्टेशन है नेरुंगरी का, जहाँ से मैंने इस ट्रिप की स्टार्ट की थी, उसी ट्रिप को लगभग आज खत्म कर रहा हूँ। सुप्रभात, तो कैसे हो आप लोग यार? रात को इस चिल्लाने वगैरह के बाद सुबह जब मैं सो के उठा ना उस गेस्ट हाउस में, तो मुझे एक कॉल आया, मुझे ये नताशा है, इनसे मैं मिला था जब मैं इसको बर्दिनो से ट्रेन ले रहा था नेरुंगरी तक, और इंस्टाग्राम पे मैंने इनको ऐड कर रखा था। कल मैंने जो स्टोरी डाली रात को, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप अगर तमोद में हो तो मेरे घर आओ, एटलीस्ट खाना पीना खा के जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, हिचहाइक तो करूँगा ही मैं, उससे पहले आपके घर आ जाता हूँ। तो उन्होंने, ये लोग मेरे साथ आए, मेरे हॉस्टल आए, उन्होंने मुझे पिक किया, अब इनके घर जा रहा हूँ। तो मैं घर भी देख लूँगा नया नया, ऐसे ही तो रस्से के काफ़ी घर देख चुका हूँ, एक और घर देख लूँ। और मिलना हो गया फिर से काफ़ी, लाइक मैं पिछली बार से मेरी ट्रेन पे थे ये, और एलिना और ये साथी थी। गो टू योर होम, ओके लेट्स गो। तो मैं आ गया हूँ नतालिया के घर, मतलब नताशा नतालिया सब एक ही नाम है यहाँ पर। और नताशा जा रही है नेरुंगरी, जो कि मुझे भी जाना है, परंतु ये निकलेगी 2-3 बजे के आसपास। सोच रहा हूँ मैं पहले निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा और दूर जाना है, नेरुंगरी से मुझे जाना है टिंडा, टिंडा से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ होपफुली। और इनकी फ्लाइट है नेरुंगरी से नोवसिब्रिस्क के लिए, क्योंकि वहाँ पर स्टडी करती है ये। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नेरुंगरी छोड़ सकती हूँ, मैंने कहा देखता हूँ अगर लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं और ये निकलेंगे 2 बजे, तो 3 घंटे अभी हैं, तो मैं 1 घंटे में यहाँ से निकल जाऊँगा, अगर लिफ्ट मिल गई तो आराम से पहुँच जाऊँगा, नहीं लिफ्ट मिली तो इनकी कार में जा रहा है ये फिर 2 बजे के आसपास। मुझे लगता है मिल जाएगी उससे पहले लिफ्ट, अगर नहीं मिले तो फिर ये लोग हैं ही, हालांकि इनके पास एक अच्छा सा डॉग भी है, ये घर में है, ये खाना पीना मिल रही फटाफट बना रही है। थैंक यू नताशा वेरी मच, स्पेसिफिक नताशा। मेरे जैकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, चैन वगैरह काम नहीं कर रहा था, आज भी इससे फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, परंतु ये लोग ठीक करने में लगे हुए हैं और मुझे वो एक नया जैकेट दे रहे थे। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ टिंडा, टिंडा तक ठंडी है, टिंडा के बाद मैं लूँगा ट्रेन और ये ट्रेन में छोड़ेगी अजरबैजान में, और अजरबैजान का तापमान अभी वही 10-12 डिग्री सेल्सियस है, तो इतने मोटे जैकेट की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ने वाली, ये भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो जाएगा जब मैं अजरबैजान पहुँचूँगा। तो अरे रशिया में हमेशा मेरे साथ हुआ है कि लोग जैकेट कपड़े काफ़ी ज़्यादा ऑफर करने लगते हैं, पता नहीं ये कौन सा ट्रस्ट फैक्टर है, ये ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं मुझे दे रहे हैं, क्योंकि ये तो अजरबैजान जाने से रहे, तो ये जैकेट अपना मुझे दे रहे हैं मतलब इसे गिफ्ट। कल गैस स्टेशन में भी कुछ ऐसा हुआ था, आज यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है, ओह माय गॉड दिस, लाइक इसलिए मैं बोलता हूँ रशिया मेरे लिए काफ़ी कुछ अलग सा है, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह लोग हेल्प करते हैं, तो दिल में एक सुकून सी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है इससे। इनके घर पे खाना पीना खाने के बाद अब जा रहा हूँ वापस से हाईवे पे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद खाना पीना और अच्छी खासी बातचीत के लिए। मैं भी जा रहा हूँ हाईवे पे, ये लोग हाईवे पे छोड़ेंगे मुझे, और 12:30 बज गया है, तो अभी 1.5 घंटे मैं हिचहाइक कर सकता हूँ, ये 2 बजे आएंगी, अगर कुछ स्लीप नहीं मिली तो मैं इनके साथ जाऊँगा 2 बजे, वरना 1.5 घंटे के बाद इनके साथ जाना है, लेकिन मुझे लगता है 1.5 घंटों में मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। मुझे इनके साथ नहीं जाने का रीज़न ये है कि मुझे जाना है टिंडा ना कि नेरुंगरी, ये लोग जाए नेरुंगरी क्योंकि हाफ रास्ता पड़ता है, तो मैं सिर्फ आशा ये कर रहा हूँ कि जो मुझे लिफ्ट मिले वो लंबी पूरी टिंडा के लिए मिले, तो इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा रहा, वरना 1.5 घंटे तक मैं वेट और कर सकता था, लेकिन चलो मैं डायरेक्ट लिफ्ट खोज रहा हूँ, वाली मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और अच्छी बात है, हमारे सर क्या कर देते,
हो जाए तो उत्तम, नहीं हो जाए तो सर्वोत्तम। तो वापस से हिचहाइकिंग के मूड में ये ठंड सा जगह, ये पूरा चारों तरफ बर्फ़ की चादर, और मैं हूँ हिचहाइकिंग के वापस से मूड में। सुबह के बज रहे हैं 12:30, मैं हूँ कहीं तोमोद नाम की जगह पे और हिचहाइकिंग चालू है नेरुंगिरी और फिर तिंदा के लिए। मैं बेसिकली लिफ्ट खोज रहा हूँ नेरुंगिरी के लिए, नहीं तिंदा के लिए खोज रहा हूँ, क्योंकि नेरुंगिरी तो वो नतासा भी जाने वाली है 1.5 घंटे के बाद। तो मैं ट्राई करूँगा कि टिंडा के लिए लिफ्ट मिल जाए, हालांकि नेरुंगिरी के लिए भी मिल जाए तो भी निकल जाऊँगा मैं, बट मैं ट्राई करूँगा बेसिकली फ़िलहाल अभी टिंडा के लिए, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर है। और कल मैं ट्रेन लूँगा अजरबैजान के लिए, मेरा प्लान बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने ट्रेन टिकट नहीं बुक कराया है क्योंकि अभी तक मैं पता नहीं कि पहुँच पाऊँ, रास्ते में कुछ हो जाए, टायर पंचर हो जाए तो क्या पता, इसलिए मैंने तक ट्रेन टिकट नहीं बुक कराया है। बट मुझे लगता है कि कल तक मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे पास 24 घंटों का समय है और मुझे ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर करना है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नेरुंगिरी तक तो अरे यार लिफ्ट ऑलमोस्ट मिली हुई है ना, तो नेरुंगिरी मैं 7 बजे पहुँच जाऊँगा, उसके बाद बजेगा टिंडा 2 घंटे पर टिंडा, तो मतलब 9-10-11 बजे तक टिंडा। ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ टिंडा, बट अभी पहुँचा नहीं हूँ, कन्फर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है कि मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि पता नहीं नेरुंगिरी के बाद लिफ्ट मिले ना मिले, किसको पता है यार, ये हिचहाइकिंग है ना भाई। वैसे नज़ारा कुछ ऐसा है, थोड़ा बर्फ कम हो गया है, सूर्य महोदय भी छिपे हुए हैं फिलहाल अभी। जब आप -50 में हिचहाइक करके आते हो और ये अभी -30 के आसपास है, तो गर्म है यार, काफ़ी गर्म है। ओ देखो मैं पसीना निकल रहा है यार, शरीर से पसीना निकल रहा, काफ़ी गर्म लगती है यार। -50 और -30 में काफ़ी अंतर है। -50 में मैं 5-10 मिनट में ठंडा लगने लगता था मुझे, लेकिन अब यहाँ -30 में तो 15 मिनट से खड़ा हूँ, नॉर्मल सा हूँ, कोई ठंड नहीं लग रहा है, नॉर्मल है। और ऐसा नहीं कि मूंछ वगैरह भी फ्रीज हो रहा है या गाल वगैरह फ्रीज हो रहा है, ना भाई ना, उतनी ठंड नहीं लगती है -30 में। तो हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, काफ़ी ठंड है बाहर और स्नो गिर रही है बहुत दिनों के बाद। स्नो पहली बार गिरते देखा हूँ इस एरिया में, स्नो तो देखता हूँ रोज, लेकिन पहली बार स्नो गिरते हुए देख रहा हूँ, और भी काफ़ी भारी मात्रा में। अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, और मैं खा रहा हूँ चिकन राइस और सॉस है थोड़ा सा, और ये सभी अलग अलग खाना खा रही है। क्या तो फाइनली एक्चुअली हुआ क्या कि ये लोग आ ही रहे थे, आधे घंटे के बाद ये लोग पहुंच गए, मैं चेक कर ही रहा था और मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिली आधे घंटे तक, तो आधे घंटे के बाद ये लोग पहुंच गए वहां पर, और फिर मैं इनके साथ ही आ गया नॉर्मल सी। मुझे ऐसे लग ही रहा था कि मैं अगर नेरुंगिरी आऊँगा तो इनके साथ ही आऊँगा, क्योंकि आधे घंटे के लिए किसी दूसरे के साथ आने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो मैं इनके साथ आ गया। और कोई मुझे ट्रक नहीं मिली टिंडा के लिए, मैं सोच रहा था कि अगर टिंडा के लिए ट्रक मिल जाए तो मैं डायरेक्ट टिंडा निकल जाऊँ, बट नहीं मिली। नेरुंगिरी के बाद मैं जो गैस स्टेशन होता है वहाँ से ही चेक करूँगा, या तो फिर कैपे से ही चेक करूँगा टिंडा के लिए। नेरुंगिरी से टिंडा 200 किलोमीटर रह जाता है, तो आराम से हो जाएगा। कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है यार, नहीं अदा खरश खरश वही।
नताशा और उसके फैमिली ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया रेलवे स्टेशन है नेरुंगरी का, जहाँ से मैंने इस ट्रिप की स्टार्ट की थी। उसी ट्रिप को लगभग आज ख़त्म कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले जब साखा रिपब्लिक में मैंने एंट्री ली थी, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले, तो मैं इस नेरुंगरी स्टेशन से स्टार्ट किया था। आज इस नेरुंगरी स्टेशन पर ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ टिंडा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है, मैंने ऑनलाइन लिया, उसका प्रिंट आउट करवाया। टिंडा के बाद जाऊँगा मैं, जाना है मुझे अजरबैजान, तो जा रहा हूँ सरातोब में, एक स्टॉप लूँगा। सरातोब बिल्कुल यूरोप में आता है, और सरातोब के बाद मखाक चकला नाम की जगह है, वहाँ से फिर रिचाइक करूँगा। पासपोर्ट नियत इंफॉर्मेशन तिंदा सरातव सिरा तिंदा गो कजाकिस्तान दा वम सरातव नादा दादा मीना सरातोब बट गो कजा पासपोर्ट नादा हाँ थिंक वन सेकेंड बट इज गोज थ्रू कजाकिस्तान अरे यार बट इज गोज थ्रू कजाकिस्तान एंड आई नीड ए वीजा फॉर दैट कंट्री मी इंडिया I know, I know Russian don't need, but I need. And I want to that information that... And I want to know, can I take this train or not? Можете. Because I need a visa. Потому что мне нужна виза. But I'm not going to Kazakhstan. I want to go to me no Kazakhstan. I go Saratov, Russia, Russia, да? Да. But train Omsk, Kazakhstan, Chelyabinsk, Kazakhstan. Ну, там не надо вам визу. Вы просто по паспорту едете и все. Не надо виза? Не надо там визу. Вы просто едете. एक्चुअली यार मैं कल एक ट्रेन लेने वाला हूँ जो कि टिंडा से है, जो कि मैं जा रहा हूँ अभी टिंडा, नेरुंगरी नामक जगह पे हूँ, और टिंडा के बाद जो ट्रेन जाती है वो कजाकिस्तान होकर जाती है। अब मैं समझ नहीं आ रहा हूँ कि मैं ट्रेन टिकट लूँ या ना लूँ, क्योंकि वो कजाकिस्तान होकर रसिया ही जाती है, लेकिन कजाकिस्तान को अंदर से जाती है। अब भाई कजाकिस्तान का लैंड यूज़ कर रहे हो आप, तो वीज़ा तो चाहिए ही, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि ट्रेन टिकट लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरे पैसे बर्बाद हो सकते हैं और समस्या में फंस सकता हूँ अगर मैंने रशिया से एग्जिट ले लिया, कजाकिस्तान वाले ने एंट्री दी ही नहीं। ऐसे मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं ट्रेन पे ही रहूँगा, बट फिर भी यार एक बार कंफर्म हो जाऊँ उसके ऊपर, तो फिर ट्रेन टिकट लूँगा वो वाला, 5,000 का ट्रेन टिकट है वो। चलो मेरी ट्रेन आ गई ये वाली टिंडा वाली, इसको पहले पकड़ के जाता हूँ टिंडा, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है तो इसके अंदर कुछ खा पी भी लूँगा, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, वही दोपहर के 3 बजे खाया था, 3:30 बजे के आसपास। अब भाई रात के 8 बजने वाले होंगे, तो फटाफट चलते हैं। ये रहा मेरी ट्रेन, पासपोर्ट वगैरह टिकट वगैरह निकाल कर रखा है। काफ़ी गर्म है यार, काफ़ी गर्म है। पिछली बार जब मैं यहाँ से आया था तो यहाँ का तापमान अराउंड -35-40 के आसपास था, अब टेम्परेचर घट के -30 हो गया है, तो अब गर्मी आ रही है धीरे धीरे करके, उतनी भी नहीं लेकिन धीरे धीरे गर्मी आ रही है। -35 यहाँ के लिए गर्मी ही है। इस अभी भी मैं साखा रिपब्लिक में हूँ, और अब साखा रिपब्लिक को ऑलमोस्ट बाय करने का समय आ गया है। ओ माय गॉड, काफ़ी अपनी हवा चल रही है यार, ओए ठंड तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है। मेरी कार नंबर है वसीम नासित, मतलब 18। किधर है यार,